अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन टू योर बॉडी। आज मैं आप लोगों को बेसिक एक्सरसाइजेज का पार्ट 4 करवाने वाली हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी एक्सरसाइजेज कर रहे होंगे। ठीक है, अगर कोई नहीं कर रहा, जिसने अभी नहीं स्टार्ट किया है, उसे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो अब स्टार्ट कर सकता है, ज़ीरो से स्टार्ट कर सकता है, ठीक है ना। और जो वो हेल्दी हैं, जो लोग, ठीक है ना, जिनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, जो सोच रहे हैं कि हम तो खड़े भी नहीं हो सकते हैं तो हम एक्सरसाइज कैसे करेंगे, वो लोग बिल्कुल कर सकते हैं एक्सरसाइज। वो बिल्कुल इस लेवल पे आ सकते हैं। उन्होंने स्टार्ट कहाँ से लेना है? खड़े होने से। मैं बार बार कह रही हूँ कि जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है वो अपना स्टार्ट खड़े होने से ले। जिसको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, वो खड़े होने से अपना स्टार्ट ले। दोनों पाँव इस तरह से जोड़ के खड़े हों, वेट पकड़ के, ठीक है, वेट पकड़ के खड़े हों। इसको पकड़ के आप लोग इस तरह से मूवमेंट थोड़ी कर लें और इस तरह से बाजू को ऊपर नीचे कर लें। इस तरह से खड़े होके अपनी टांगों पे, अपने घुटनों पे वजन डालें ताकि उनमें जान आए। उनमें जान आएगी तो आगे गाड़ी चलेगी, ठीक है। और रुकना नहीं है कि भाई हम लोगों से तो हो ही नहीं पाएगा, हम तो हमारे बस की ये बात नहीं है। ऐसा नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये झूठे बहाने होते हैं, ये खुद के साथ वो होता है कि भाई हम लोग ये खुद को एक तसल्ली देने वाले बहाने होते हैं। तो आपके लेवल की ही इतनी मोटी मोटी औरतें हैं और जिनके इतने बड़े पेट बड़े हुए हैं, वो एक्सरसाइज करके खुद को रिड्यूस कर सकती हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। बात रिड्यूस की नहीं है, बात पतला होने की बाद में आती है, हेल्दी होने की बात पहले आती है। आप लोग खुद देखें कितना बिजी टाइम जा रहा है, बच्चों के पास टाइम नहीं है, ठीक है। पहले के बच्चे जो उनसे थे, उनको पेरेंट्स ने भी क्वालिटी टाइम दिया था, अच्छा टाइम गुजारे हुए थे और उन्होंने अपने बच्चों को भी टाइम अच्छा दिया हुआ था। जबकि अब के लेवल जो है वो उस लेवल का क्वालिटी टाइम हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। इतनी बिजी लाइफ हो गई हुई है, तो कल को आप खुद सोचें कि बच्चे किस तरह से मैनेज करेंगे। वो खुद को देखेंगे, अपने घर को देखेंगे कि आप लोगों को संभाल लेंगे कि वो ज़रा सा जो जिनमें स्ट्रॉन्गनेस नहीं होती है ना, वो चाहे बेशक वाइटामिन डी खा लें, कैल्शियम खा लें, खाली उनके खाने से बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। जब तक सारा प्रोटोकॉल पूरा नहीं होगा, जब तक आप लोग एक्सरसाइज करके अपनी जान नहीं डालेंगे, अपनी हड्डियों को मजबूत नहीं बनाएंगे, क्या सुनने में आ रहा है, ज़रा जी पाँव मुड़ा है तो जी फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, गिरा है बंदा, फ्रैक्चर हो गया। गिरते भी हैं, चोटें भी लगती हैं। अब माशाल्लाह से मेरी बेटी है, वो परसों स्कूल में गिरी है, रामीन, तो उसको इतनी ज़ोर से वो गिरी है कि उसके घुटने, यहाँ घुटने पे उसके वहाँ से शलवार का पीस वहाँ से फट गया, वहाँ से निकल गया उसके गिरने से, और थोड़ी और खराश भी वो आई है, वहाँ से ब्लड भी निकला, उसको खराश भी आई। तो उसने, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो फ्रैक्चर नहीं हुआ, उसकी बोन फ्रैक्चर नहीं हुई। मैं उसको एक्सरसाइज के लिए तो उसे नहीं टाइम मिल पाता है, लेकिन बीच बीच में जब छुट्टियाँ होती हैं या कुछ हो, मैं उसको थोड़ी एक्सरसाइज की तरफ भी लेके आती हूँ और वेट मैं उसे करवा रही होती हूँ। इस तरह पानी की बोतल है, 20 लीटर की पानी की बोतल है, वो मैं भर के जब लेके आती हूँ तो मैं उसे कहती हूँ गाड़ी से निकाल के सीढ़ियों तक आप रख दो। बच्चों को भी इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके उन्हें पता भी ना चले और उनकी ये एक्टिविटी में ये चीज़ें आ जाएं, और ये तभी होगा। खाली वो उसकी, मैं अपनी बेटी का विटामिन डी, कैल्शियम, इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखती हूँ मैं, इन सारे लेवल उसके लेके चल रही हूँ साथ साथ। लेकिन प्लस मैं साथ साथ थोड़ा सा उसको वेट एक्सरसाइज की तरफ भी थोड़ा सा करवा रही होती हूँ, उसे पता भी ना चले कोई के भाई मैं, क्योंकि वो बच्ची है, उसका स्कूल, ट्यूशन, पारा, सब कुछ चल रहा होता है, बिजी रूटीन है। लेकिन फिर भी उसमें से मैं उसे थोड़ा सा वो एक्टिविटी की तरफ लेके आती हूँ। तो आप लोग भी जब तक वज़न नहीं उठाएंगे, जब तक वज़न उठा के एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तब तक हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, ठीक है। पतला तो बंदा जी वज़न जो उनसे है, आप लोग अपना फाके करके भी रिड्यूस कर लोगे, लेकिन वो हेल्दी वाला नहीं होगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, ठीक है। आपको ताकत ही, आपके मसल्स के अंदर ताकत नहीं होगी। तो इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को सीरियस लें कि ये जो इतना कह रही है, एक्सरसाइज को इतना फोकस कर रही है, इतना कर, हालांकि मैं खाली अगर डाइट पे करना चाहूँ ना और आप लोगों को सप्लीमेंट्स बताना शुरू कर दूँ, और मुझे पता है कि आप लोग मुझसे 90% से ज़्यादा लोग मुझे फॉलो करना शुरू कर देंगे कि जी ये सिंपल काम इसने बता दिया, जी सप्लीमेंट्स बता देती है और डाइट के थ्रू बता देती है। लेकिन नहीं, मुझे आप लोगों, मैं आप लोगों के साथ सिंसियर हूँ, मुझे तरस आता है आप लोगों को देख के, जो इतने इतने मोटे लोग हैं और इतना बुरा हश्र किया, जो मोटे नहीं भी हैं उनको भी ताकत की ज़रूरत है, ठीक है ना। अब मैं तो मोटी नहीं हूँ ना, मेरा तो वेट कम है, लेकिन मैं रेगुलर अपनी एक्सरसाइजेस कर रही हूँ, और मुझे होता है कि मेरा बीच में कोई एक दिन के अलावा बाकी मेरा कोई नागाना बीच में आए और मैं रेगुलर अपनी एक्सरसाइज करूँ।
आपकी बॉडी जो सी है वो फ्रेश खुद को फील कर रही होती है और आप खुद को स्ट्रॉन्ग फील कर रहे होते हो, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने पॉजिटिव होके प्लीज़ एक्सरसाइजेस की तरफ आएँ, क्योंकि फिर आप लोग देखने, मुझे फिर इतना हो रहा होता है ना जब मैं सुनती हूँ कि किसी का फ्लांग का पाँव फ्रैक्चर हो गया, किसी का बाजू फ्रैक्चर हो गया, तो मुझे फिर हो रहा होता है कि अब मैं इन लोगों को किस तरह से बताऊँ कि इनकी बोन स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। तो आज प्लीज़ आप लोगों ने अब इसको फॉलो करना है, और रमज़ान की वजह से आप लोगों ने ये नहीं करना कि रमज़ान है तो एक्सरसाइज नहीं करनी, वो मैं पहले भी वीडियो कर चुकी हुई हूँ कि एक्सरसाइज करनी है, मॉर्निंग में कर लेंगे तो ज़्यादा वो बेहतर है सहरी से पहले, ठीक है। अब आज जो मैं एक्सरसाइज आप लोगों को बताने वाली हूँ ये हमारे स्केलेटन को, ओवरऑल स्केलेटन को स्ट्रॉन्ग बनाएगी और जो बेली फैट है उसको कम करेगी, ठीक है। ओवरऑल स्केलेटन को स्ट्रॉन्ग बनाने वाली ये एक्सरसाइज है और आप लोगों ने इसे करना है, ठीक है। स्टार्ट में थोड़ा आपको बीच में स्टेप मुश्किल भी लगेंगे, तो लेकिन आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता करके इसको यूज टू करके 4-5 दिनों में इसको इस एक्सरसाइज को आपने फॉलोअप करना है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। इसमें आप लोगों ने अपना जो भी वेट होगा वो पकड़ लेना है, इस तरह से करके पिछले वाली टांग को स्ट्रेट रखना है और इस वाली टांग को टर्न करना है, ठीक है। ये हमारे जो कहते हैं ना हमारे घुटनों में पेन होता है, वो ये घुटनों के पेन के लिए, ठीक है। इस पे वजन डल रहा है, इस पे वजन डाल रहे हैं हम लोग टांग के लिए, तो आप लोगों ने इसको इस तरह से टर्न करना है, पीछे वाला स्ट्रेट रखना है और इस तरह से मूव करवाना है। ये बेली फैट को भी कर रही है कम और इसे भी स्ट्रॉन्ग कर रही है। 20 टाइम ये करनी है आप लोगों को, जिन्होंने बोतल के साथ करनी है वो ये बोतल पकड़ लेंगे, ये ठीक है। इस तरह से जिनके पास ये भी अला वेट ले लिया होगा वो इस वेट के साथ अब इस टांग को भी 20 टाइम टर्न कर लेना है, पिछली टांग को स्ट्रेट रखना है, इसे टर्न कर लेना है। ठीक है, इस पे वजन देना है आप लोगों ने इस टांग पे। अब ये वाला आप लोगों ने स्टेप, और बाकी आज मैं आप लोगों को हिट भी ऐड करवा रही हूँ, ठीक है। अब इसमें एक तो स्ट्रेट करने हैं, उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में पहले आप वेट पकड़े बगैर करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने ये चीज हमारी इससे ये पूला ये स्ट्रॉन्ग होएगा इससे, ठीक है। पहले 10 टाइम कर लिया करें, फिर 10 टाइम इधर कर लिया करें, फिर 10 टाइम इधर, 10 टाइम इधर, 20-20 टाइम एटलीस्ट किया करें एक्सरसाइज। ठीक है, इसी तरह 10 टाइम इधर कर लिया, अब ये 20-20 टाइम आप लोगों ने करना है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये इधर है ना, तो आप पहले सीधा किया है ना, अब टांग को उधर लेके जाना है, फ्लेक्सिबल करना है, टांग को इधर लेके जाना है ऐसे जितना हो सकेगा इस तरह से, ठीक है। 10 टाइम मैंने किया, अब इस तरह से इस टांग को ये बाजू ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये बाजू ये टांग ऑपोजिट डायरेक्शन में हिट करना है, ये आप लोगों के हिट हो जाएंगे, ठीक है। 20 टाइम सीधे, 20 टाइम ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब आप लोग यूज टू हो जाएंगे फिर आप लोगों ने क्या करना है, वेट पकड़ के आप लोगों ने इस तरह से करना है। पहले आप लोगों ने क्या करना है कि वेट के बगैर करनी है, उसके बाद जब आप लोग यूज टू हो जाएंगे फिर वेट पकड़ के आप लोगों से 1/2 kg का, 1 kg का जितना भी वेट पकड़ा जाएगा। अब हम लोगों ने स्केलेटन की करनी है, बैली और स्केलेटन की, इसमें भी बैली की मूवमेंट है लेकिन अब जो हम करेंगे उसमें स्केलेटन और बैली की मूवमेंट होगी। एक मिनट, ठीक है,
अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से बैठ जाना है और ये वाली टांग अपनी ऊपर उठानी है, ठीक है, इसे ऊपर उठाना है और इस वाली टांग की मूवमेंट लेके आनी है। ये देखिए, ये मेरी वेट मशीन है, मैंने इससे कभी वेट नहीं किया है, ठीक है, ये मैं एक्सरसाइज करने के लिए यूज करती हूँ, 2 साल से छोड़ा होगा मैंने वेट कर, वही मैं इसको एक्सरसाइज में यूज में लेके आई हूँ। अच्छा, ये बाजू आपने सीधा रखना है इस तरह से, और आपने इस टांग को इसे उठाया हुआ है, ये देखिए, ये इसको मैंने उठाया हुआ है, इसे आप लोगों ने उठाना है इस तरह से उठाएंगे और इस वाली टांग को इसके ऊपर मूव कराना है यूं, ठीक है, इसके ऊपर यूं, ये रोकी हुई है नीचे, इसको हम मूव करवा रहे हैं, इसके ऊपर वजन दिया हुआ है, इस पर वजन दिया हुआ है और इसको मूव करवा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने 10 टाइम किए, आप लोगों ने ये 20 टाइम करना है, ठीक है, 20 से 30 टाइम भी आप लोगों ने करना है। एक ये एक्सरसाइज हमारी हो गई, और जब आप लोग यूज्ड हो जाएंगे, अभी वेट के बगैर है, फिर वेट के साथ करनी है। ठीक है, पहले आप लोगों ने वेट के बगैर करनी है, जब आप लोग इसके यूज हो जाएंगे फिर वेट ऊपर कोई भी रख लें, ये रख लें, ये बोतल रख लें, ठीक है, बोतल के बगैर कर लें या उसके साथ आप लोग कर लें। अच्छा, ये होगी हमारी एक्सरसाइज, उसके बाद आप लोगों ने न्यू स्ट्रेट इसको कर लेना है अपने लेग्स को, ये ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट करनी है लेग्स, हम लोगों ने लेग्स को स्ट्रेट कर लेना है, फिर इसकी अब मूवमेंट करवानी है हमने ऊपर ऊपर की तरफ, ये वजन बाजुओं पे दिया हुआ है और ये इस तरह से 1, ठीक है, ये इस तरह से 20 टाइम ये भी आप लोगों ने कर लेना है, पहले आप उस वेट के बगैर करेंगे, फिर आप लोग वेट के साथ करना होगा, तो आप लोगों ने इस तरह से, ठीक है, वेट के साथ, कोई भी वेट आपके घर में हो, कोई भी वेट आप इधर रख सकते हैं, पहले वेट के बगैर फिर इसके साथ, उसके बाद आप लोगों ने स्ट्रेच करना है, यूं सीधा रख के, यूं बिल्कुल स्ट्रेट टांगे रख के स्ट्रेचिंग करनी है, डीप ब्रीथिंग करनी है साथ में, ठीक है, आपने अपनी डीप ब्रीथिंग भी कर लेनी है, डीप ब्रीथिंग ये बीच बीच में जब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट जब हो जाएगी हमारी, फिर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज पूरी करके दिखाऊंगी, फिर मैं थोड़ी हाई इंटेंसिटी डीप ब्रीथिंग स्लो स्ट्रेचिंग, हाई इंटेंसिटी डीप ब्रीथिंग स्ट्रेचिंग, इस तरह से मैं आप लोगों को लेके वो पूरा फ्लो बनवाऊंगी आपका। अभी तो मुझे स्ट्रेचिंग सबसे पहले लेके जाना पड़ेगा ना, ताकि आपके मसल्स तो हिलना शुरू हो, आपके मसल्स को तो पता चले ना मूवमेंट का, इसलिए मैंने स्ट्रेचिंग सबसे पहले आप लोगों को करवाई थी, लेकिन जब ये एक्सरसाइजेज कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर मैं पूरा बताऊंगी कि किस तरह से हम लोगों ने करनी है। अब अभी इसी टांग को इसी तरह से आप लोगों ने स्ट्रेट रख लेना है और अब सामने की तरफ फिट कराना है, ठीक है, ये पूरे जोर के साथ, ठीक है, आप लोगों ने नीचे वाली टांग को स्ट्रेट रखना है, ऊपर वाली को मूव कराना है, पहले वेट के बगैर आपने प्रैक्टिस करनी है, जब करेगी प्रैक्टिस फिर ये वेट रख के, इनके पास ये बोतल है, बोतल रख लेनी है, ठीक है,
ये इस तरह से करके आप लोगों ने ये आपके एक साइड की तीन एक्सरसाइजेज होंगी। तीन एक्सरसाइजेज कौन सी, एक यूं करके ये उठा के टांग को उसे मूव करेंगे, उसके बाद स्ट्रेट लेग के ऊपर, फिर उसके बाद सामने की तरफ। अभी यही रिपीट हम इधर इस साइड पर करेंगे। अब इधर मैंने इस टांग को उठा लेना है ऊपर, इसे उठा के और इस वाली को मूव करवाना है, ठीक है। ये 1, 2, ठीक है। जब आप वेट के साथ करेंगे तो फिर आप अपना वेट रख लेंगे इस तरह से। नीचे वाली टांग को, इस बाजू को मूव नहीं करना है, सिर्फ इस वाली को मूव करना है, उस पर सिर्फ वजन देना है। इसी तरह फिर हम स्ट्रेट कर लेंगे लेग्स को, स्ट्रेट करके ऊपर की तरफ। आप लोग करते हुए इस तरह से अपना बाजू रखेंगे, ठीक है। मुझे इधर रखना पड़ रहा है, आप लोगों ने यूं करके मूव करना है, ठीक है। मुझे शर्ट की वजह से इधर रखना पड़ रहा है, आप लोगों ने इस तरह से रख के यूं मूव कराना है, ठीक है। ठीक है, फिर वेट के साथ आप इसी तरह से करेंगे। आप लोगों की पूरी जान लग रही होगी, ठीक है, इसमें, और लगानी है जान। जान लगाएंगे तो इन हड्डियों में जान आएगी। इस तरह से स्ट्रेचिंग करनी है, डीप ब्रीदिंग एंड स्ट्रेचिंग। उसके बाद उसी तरह से लेट के जो साउंड है वाले को हम लोगों ने करना है, स्ट्रेट करके ये अब सामने हिट मार करना है। जब वेट पकड़ लेंगे आप लोग, फिर वेट के साथ दो तीन दिन वैसे करिएगा। पहले वैसे हफ्ता भी लग जाएगा तो टेंशन वाली बात नहीं है, हफ्ते बाद वेट के साथ कर लीजिएगा। एक मरतबा करें सही आपको। ठीक है, ये इस तरह से आपकी 20-20 टाइम ये वाली एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, पहले आप लोगों ने वो टांग को इस तरह से करके, फिर स्ट्रेट करके, फिर ऊपर, फिर सामने, ठीक है। ये हमने की है, अब हमने स्केलेटन को वो करने के लिए अपना वाटर इनटेक देखें। रोजे की अगर आप लोग चाह रहे होंगे कि अफ्तारी से पहले एक्सरसाइज कर लें, उस टाइम पे फिर आपको थर्स्ट लगेगी, एक्सरसाइज करते हुए थर्स्ट फील होएगी, तो फिर पानी किस तरह से आप लोग वो अपना वो करेंगे। आप लोग सहरी से पहले ही करें तो पानी भी पिया जाएगा आप लोगों से। ये मेरा मग पौने घंटे एक घंटे की एक्सरसाइज में फिनिश हो जाता है पूरा इजीली। उसके बाद भी मुझे प्यास लग रही होती है, क्योंकि जब हमारे मसल्स मूव करते हैं ना, तो वो फिर हमारे जो बॉडी के अंदर पानी होता है ना, वो कहते हैं बॉडी में पानी भर गया है, पानी हो गया बॉडी में, वो सारा ये मसल्स यूज करते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, एक मिनट कर लेते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने अपने पूरे स्केलेटन पे वेट डालना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट कर लेना है, दोनों टांगें जोड़ लेनी है, आपने इस बाजू पे वजन देना है और ये उठाना है खुद को ये। ठीक है, ये मैं नीचे से सारा उठी हुई हूँ, ये जितनी देर भी आप इस तरह से रुक सकेंगे ऊपर करके। ठीक है, उसके बाद इस साइड पे जितनी देर आप इजीली रुक सकते होंगे स्टार्ट में, आपने उतनी देर रुकना है। ठीक है, इसी तरह से ये दोनों लेग्स को जोड़ लेना है, आपस में उन्हें जोड़ लिया और इस तरह
तरह से आप लोगों ने करना है। ये सारा आपके वजन, जितना हम वजन डालेंगे इस तरह से उसको सिखाएंगे वजन लेना बोन को, उतना ही वो प्रेशर बर्दाश्त कर सकेगी। आप लोग गिरेंगे भी तो आपको बोन फ्रैक्चर नहीं होगा, ठीक है। और स्ट्रॉन्गनेस आएगी, ये जो कूल्हे की हड्डियां निकल जाती हैं, गिरे हैं तो कूल्हा टूट गया है, ठीक है। दोनों साइडों से कर लिया, अब हम लोग इस तरह से लेट गए। ये दोनों बाजू मैंने इस तरह से रखे हैं और अपने पांव पे वजन डाला है और मैं उठूं। इससे बैली का फैट भी बर्न होएगा। ठीक है, फिर दोबारा से अपने पांव पे और ये बाजुओं पे प्रेशर डालना है और पूरी बॉडी आप लोगों ने ऊपर उठानी है, ठीक है। स्टार्ट में थोड़ा मुश्किल होएगा, आप लोगों ने आराम आराम से इजी वे में होके इसको करना है और पैनिक नहीं होना है। और एक्सरसाइज करते हुए थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होता है और स्टार्ट में आप लोगों को बहुत ज़्यादा आएगा, यानी कि आप लोगों को होगा कि ये हमें इतना वो, जारी बात है जब मेहनत करनी पड़े तो उस टाइम पर जोर लग रहा हो बॉडी का, तो फिर थोड़ा वो होएगा आप लोगों को। लेकिन आप लोगों ने उसे, इसलिए मैं कहती हूँ साथ म्यूज़िक लगा लिया करें, साथ में सूर्य रहमान लगा लिया करें, या अल्लाह मदद, या अल्लाह अकबर, इस तरह से आप लोग कहते रहा करें तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये स्टेप मुश्किल नहीं लगेंगे, ठीक है। लेकिन ये स्टेप आप लोगों के बुढ़ापे के लिए, 50+ के लिए, 60+ के लिए, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। बेशक आप स्पेशलिस्ट के पास जाते रहेंगे, अर्थराइटस के या हड्डियों के जो भी हैं उनके पास आप जाते रहेंगे, वो आपको क्या दे देंगे, कैल्शियम दे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी का कह देंगे, लेकिन तब स्ट्रॉन्गनेस नहीं आएगी जब तक ये एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग प्लीज़ अपने ये वाले एक्सरसाइजेज भी अब आप स्टार्ट करें थोड़ा थोड़ा करके। अल्लाह हाफिज़।